खबरें यह आ रही हैं कि सरकार ने एनपीएस और ओपीएस का तोड़ निकाल लिया है। गंतव्य होगा कि देश के कोने कोने में रेलवे कर्मचारी, शिक्षक, अर्ध सरकारी संगठनों के संगठन मिलकर एनपीएस के विरोध में रैलियां कर रहे थे, जिसका परिणाम 2024 के चुनाव पर भी देखने को मिला है। सरकार अपने फैसले में ओपीएस और एनपीएस के बीच की असमानताओं पर विचार करेगी। उधर ऑल इंडिया रेलवे मेंट्स फाउंडेशन ने देशव्यापी एक दिन का विरोध प्रदर्शन 12 जुलाई को रखा गया है। रेलवे यूनियनों की तरफ से भी देश की समस्त रेलवे यूनियन, सरकारी अर्ध सरकारी संगठन एनपीएस को लेकर एक हैं। अब देखना यह है कि 23 जुलाई को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपने बजट में एनपीएस अकाउंट होल्डरों को क्या खुशखबरी सुनाती हैं या मायूस करती हैं। एनपीएस की ताज़ा अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ रेलवे 360 यूट्यूब चैनल। थैंक यू।